हेलो, माय सेल्फ इज सत्यनारायण, टीम मैथ सीएलसी। सो हम लोग आज का डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जेई एडवांस 2016 टू 2020 प्रॉब्लम्स, जो कि यूनिट 6 में रखा गया है। और यहाँ टॉपिक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस एंड ITF है। सो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है जो MCQ टाइप है, जिसमें क्या दिया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ दिया है कि ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी टी, ये दिया हुआ है, और टी इज ए पैरामीटर। तो उस पर बेस्ड हमें ये ऑप्शंस चूज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पे चलते हैं और यहां देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो दिया हुआ है गिवन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड वन बाई ए प्लस आई बी टी, ये दिया हुआ है। अगर इसके कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें यहां, तो यहां क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी टी डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी टी, और ये रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए माइनस आई बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आई बी टी होल स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर करने से दिख रहा है, अगर हम मॉड ले लें, टेक मॉड बोथ साइड, तो मॉड ले लें, टेक मॉड बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसका मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। और ये तो एक रियल नंबर ही है, ये एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां पे हम ध्यान देने वाली बात क्या है, जब कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहां i नहीं था, तो यहां i नहीं था हमारे पास, तो यहां a माइनस आई बी टी था, और यहां प्लस ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर था। तो यहां बी टी का होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर करने पे यही क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर होल स्क्वायर, वन टाइम्स विल कैंसिल आउट, यहां पे हमें मिल गया वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बन गया। और यहां से हम देखते हैं कि यहां से अगर हम एक्स और वाई रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, तो एक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर मिल रही है। तो यहां से ही एक्स वाई ए की जो वैल्यू है वो क्या है, वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो ये एक्स बाई ए, इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करने पे यहां से यहां देखते हैं एक सर्कल की इक्वेशन हमें दिख रही है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ए, जिसका सेंटर कितना है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ वन बाई टू ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो सेंटर इसका दिख रहा है वन बाई टू ए कॉमा जीरो, और रेडियस इसका कितना है, 1 बाई टू ए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि
सर्कल विद रेडियस 1/2a, ए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हम लोग देखते हैं कि बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ए ऑप्शन आ चुका है। अब एक्स एक्सिस, यहां उन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस फॉर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। ए अगर जीरो नहीं है और बी जीरो है, तो यहां से हम देखते हैं ए अगर जीरो नहीं है और बी जीरो है तो ये क्या आ रहा है, y, यहां x की वैल्यू मिल गई थी, y की भी वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी टी बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगर हम बी जीरो रख दें, बी जीरो रख दें एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी जीरो रखने पे ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगा, विच इज वाई इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स एक्सिस। एंड इसमें अगर रख दें, इस दूसरे वाले में रख दें, इसमें रख दें ए इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ये एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स इक्वल टू जीरो मिल रहा है विच इज वाई एक्सिस, जो कि लास्ट टू ऑप्शंस में गिवन है। सो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। सो ऑप्शन सी एंड डी ऑल दीज टू ऑप्शंस विच आर करेक्ट ऑप्शंस। सो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर टू क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो देखा जाए तो ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, और हमारे पास ओमेगा के बारे में अगर पता है तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, ये दो रिलेशन हमें ओमेगा के बारे में पता है। तो अगर हम लोग जो है ये देखते हैं रिलेशंस, यहाँ हमें दिया हुआ है पी का, और इन्होंने कहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग पी स्क्वायर कैलकुलेट करें, पी स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद ये पी इंटू पी, ये हम लोग देख रहे हैं पी क्या है, माइनस जेड होल पावर आर और जेड पावर टू एस, और यहां जेड पावर टू एस, जेड पावर टू एस जेड पावर टू एस और जेड पावर आर है, यहां भी वही है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके पहला, तो यहां हम लोग देखते हैं कि ये क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके z की पावर 2r हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके z की पावर 2s हो गया, 4s हो गया, z की पावर 4s हो गया, z की पावर 4s यहां हो गया क्योंकि 2s और 2s ये ऐड हो गया। सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे क्या हुआ, माइनस z होल पावर r था, मल्टीप्लाई इसके साथ z की पावर 2s हुआ, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ z की पावर दिस z की पावर 2s और यहां z की पावर 2s और z की पावर r हो गया ये।
सिमिलरली हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसको लिया इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस जेड की पावर आर हो गया यहाँ, और जेड की पावर 2s प्लस जेड की पावर आर और जेड की पावर 2s, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो लास्ट मिल जाएगा जेड की पावर 4s और ये जेड की पावर 2r। अब ये माइनस आई है, माइनस आई का मतलब क्या है, ये रिलेशन हमने यूज किया तो यहां माइनस वन है, यहां माइनस वन है, यहां जीरो है, यहां जीरो है, तो यहां से हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जो कंपैरिजन हो रहा है ये टर्म जीरो है, और यहां से जेड की पावर 2s, 2s कॉमन आ जाएगा, और माइनस जेड की पावर r प्लस जेड की पावर r इक्वल टू जीरो हो गया। एंड एक दूसरा रिलेशन क्या मिल रहा है, ये वैल्यू माइनस वन हो रही है, तो जेड की पावर 4s प्लस जेड की पावर 2r ये वैल्यू माइनस वन हो रही है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ये तभी जीरो होगा जब r ऑड होगा, ऑड होगा, और हमारे पास जो है जो r है वो 1, 2, 3 ये तीन वैल्यूज हो सकता है, तो r ऑड है और प्लस ये तभी सेटिस्फाई हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये माइनस वन तभी आ रहा है क्योंकि जेड ये ओमेगा है, ओमेगा ये रिलेशन जब सेटिस्फाई होगा, तो ये इस फॉर्म का कभी तभी बनेगा जब आर और एस इक्वल होंगे, आर और एस इक्वल होंगे, तो ये दोनों चीजें एक ही साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं जेड इक्वल टू आर इक्वल टू वन के लिए, जेड इक्वल टू आर इक्वल टू वन के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है यहां जो दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा एस ये 1,1 होगा, एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा, वन ऑर्डर्ड पेयर। सो इसका आंसर वन है, आंसर वन। सो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स, ए माइनस बी भी दिया हुआ है 1, वाई इज नॉट इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लस वाई आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज इमेजिनरी पार्ट, यहां ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट, तो गिवन दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, इट्स इमेजिनरी पार्ट इज वाई, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई रख के इसका इमेजिनरी पार्ट को वाई से इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमने इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में बना लिया, यहां भी डिनोमिनेटर में भी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई, ये वैल्यू हमें वाई दिया हुआ है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी प्लस आई वाई, इसको मल्टीप्लाई किया गया किससे, इसको मल्टीप्लाई किया गया एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू आई से मल्टीप्लाई किया गया, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू गिवन है हमें वाई, तो यहाँ से हमें ये देखना है कि क्या आ रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या क्या होगा, तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो मतलब माइनस वाई प्लस 1 के साथ
ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ, और साथ में इमेजिनरी पार्ट कब बनेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई और होल डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां क्या है वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है हमें वाई, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये जब मल्टीप्लाई हुआ वाई प्लस वन एक्स माइनस वाई प्लस वन, और ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई, और फिर माइनस ए एक्स माइनस बी, ये आ रहा है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज गिवन वाई। तो हम लोग यहां कुछ चीजें देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जब मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा यहां पे प्लस एक्स वाई भी था, प्लस एक्स वाई था, ये पूरा कैलकुलेट करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है कि माइनस ए एक्स वाई माइनस बी वाई, नहीं माइनस बी वाई, और फिर माइनस वन माइनस ए एक्स माइनस बी, और प्लस एक्स वाई है, प्लस एक्स वाई है। ये टोटल कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहां, तो यहां पे हम देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू वन, ए माइनस बी इक्वल टू वन कहां यूज होगा ये हम लोग देखते हैं। तो a माइनस बी वगैरह यूज करने के बाद ये आ जाएगा तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कौन सा है, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट होके बी और डी है, तो डी है, तो इसलिए ये कैलकुलेशन जो अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और यहां एक्स प्लस वन, बेसिकली यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे ये कैलकुलेशन आ रहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हम लोग कैलकुलेट कर ले, यहां से ये पूरा कैलकुलेशन ये आ जाएगा, इसको साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से एक्स प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये दो ऑप्शन है b और d में, b ये देख रहे हैं और d ये है, इन दोनों में यही चीज दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करके और ये a माइनस बी यहाँ पे हम वन पुट करके ये रिलेशन गेट करते हैं, और इससे हमारे आंसर्स में फाइंड करने में आसानी है। तो हम लोगों ने b और d ऑप्शन यहाँ फाइंड कर लिया। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अपना अगला क्वेश्चन है फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, यहां पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि कह रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई,
Which of the following statements are false? क्या false है? तो अगर हम इस complex number का argument देखते हैं, तो ये fourth third quadrant में complex number आएगा minus pi plus pi by 4 होगा, जो कि minus 3 pi by 4 होगा. इसका मतलब ये false है. So ये false है. यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये function f r to r be defined by this one? For t belongs to real number is continuous at all. तो ये continuous क्या पूरे domain में है कि नहीं? तो अगर हम देखते हैं इसको, तो t greater than 0 और t less than 0 के case में हम लोग ये देखते हैं कि इस function को हम expand कर सकते हैं. इस function को हम expand कर सकते हैं. तो अगले page पे चलते हैं. हम लोग इस question को solve करते हैं. तो हम लोग जो अगले page पे ये question है. तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो ये क्या है? ये FT जो है, जो B पार्ट है FT, इसमें FT को दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आई टी. तो यहां इसका आर्गुमेंट T पे डिपेंड करेगा. तो हम दो केस लेते हैं, जब T पॉजिटिव होगा और जब T निगेटिव होगा. तो व्हेन टी इज पॉजिटिव देन इट्स आर्ग्यूमेंट इज T पॉजिटिव होगा. इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका T पॉजिटिव होने पे ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो फॉर्मूला होता है आर्गुमेंट का, माइनस पाई प्लस टैन इनवर्ज b बाई a का मॉड, मतलब T का मॉड. ये T पॉजिटिव में हो गया, और T निगेटिव के केस में ये फॉर्मूला माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. माइनस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स टी का मॉड, ये हो जाएगा. तो यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम एफ ऑफ टी प्लस जीरो प्लस पे फाइंड करते हैं, जीरो प्लस पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई आ जाएगी. और एफ ऑफ जीरो माइनस पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू माइनस पाई आ रहा है. तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल. तो ये इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है, हमें फॉल्स ऑप्शन ही ढूंढने हैं. तो ए ऑप्शन को हमने ढूंढा था वो सही था, मतलब फॉल्स था, तो वो सही था हमारा ऑप्शन. और हम लोग अगले पे देखते हैं जो सी है. सी अगर एक सर्कल ले ले और यहाँ एक जेड ले ले, और ये जेड वन और जेड टू, और यहां जेड थ्री ले ले, और यहां ले लेते हैं जेड टू. तो हमें पता है कि सर्कल में आमने सामने के एंगल का सम पाई होता है. तो ये एंगल थीटा वन है, ये एंगल थीटा टू है. तो आर्गुमेंट ऑफ ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में आए हुए, जबकि यही दिया हुआ है हमें, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड थ्री इंटू जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड थ्री है यहां, और जेड टू माइनस जेड वन, ये पाई दिया हुआ है. मतलब ये आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड थ्री प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड वन जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन, ये दिया हुआ पाई, जो कि सर्कल में ये सेटिस्फाई होता है. ये थीटा वन और ये थीटा टू, ये पाई होना चाहिए. ये सर्कल में ये रिलेशन होल्ड करता है. इन्होंने कहा है कि ये रिलेशन, ये डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, जबकि इन्होंने कहा है ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. इसका मतलब ये फॉल्स है. इसका मतलब ये हमें आंसर सेलेक्ट करना है. तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. और जबकि सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ
जेड टू ये दिया हुआ है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, यहाँ प्लस टू एन पाई आ जाएगा, टू एन पाई आ जाएगा। तो यहाँ टू एन पाई आने के बाद यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा जेड वन और प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल होके यहाँ टू एन पाई हो गया, वेयर एन इज इंटीजर। तो इन्होंने यही कहा है फॉर इज एन इंटीजर ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ टू पाई एन, तो ये एन इंटू टू पाई है, टू पाई का मल्टीपल। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है बट हमें फॉल्स चूज करना है, इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ गए, ए बी एंड डी, दीज आर करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइंड इन दिस डोमेन एंड रेंज, दिस इज गिवन, ये गिवन है, ये गिवन है, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स एज्यूम्स माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वैल्यू। सो इसके बारे में हमें यहां पर ढूंढना है। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, जीरो इसके डोमेन में ही नहीं है। जब जीरो इसके डोमेन में ही नहीं है तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो सही ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीरो पे ही ये वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन हमें चूज ही नहीं करना है। अब हमारा क्वेश्चन से ये दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं सी और डी की। इसमें से हमें कोई एक ऑप्शन मिलेगा क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पे और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। तो ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे ये देखते हैं कि जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन एफ ऑफ एन f of n of x दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, j from 1 to n tan inverse 1 by 1 plus x plus j minus 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से ये समेशन ये क्या है, टैन इनवर्स। यहां पे हम देखते हैं कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आता है। तो न्यूमरेटर को हम इस तरीके से एक्स प्लस आई जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1 ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस जे माइनस 1, ये यहां हम इस तरीके से लिख सकते हैं और j फ्रॉम 1 टू n हो रहा है। तो tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा, j फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स x प्लस j माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस जे माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। इस पर हम सिग्मा लगा दें अगर तो हमें ये सम एफ ऑफ एन ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो हम लोग यहां देखते हैं कि अगर हम इसको 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, यहां पे अगर हम 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 रखने पे x प्लस 1 और हमें यहां 1 से ही लेना है। तो 1 माइनस 1 रखने पे यहां पे tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस ये पहला टर्म हो जाएगा। दूसरा टर्म हम अगर कैलकुलेट करते हैं 2 रख दें तो
तो tan इनवर्स x प्लस टू माइनस tan इनवर्स x प्लस वन, इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हुए जाते हैं। लास्ट में हमें n रख देना है, तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस वन, और यहाँ कैंसिलेशन पैटर्न बन रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इसके आगे से कैंसिल हो जाएगा, ये इसके पहले से कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली बचेगा तुम्हारे पास ये tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x, ये हमारा f ऑफ n ऑफ x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा दें तो tan इनवर्स x माइनस y, दिस माइनस दिस, ये n हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस एन, ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन आ गया f ऑफ n ऑफ x का, जिसमें इस पर tan लेके अगर हम x इंफिनिटी पे लिमिट निकालें, सी ऑप्शन को, तो tan ऑफ f ऑफ n ऑफ x पे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना है x पे हमें लिमिट लगा हुआ है, तो x पे लिमिट लगाने के लिए n बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहां 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर था ही, यहां 1 हो जाएगा, और यहां एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर से n बाई एक्स हो जाएगा, तो हम देखते हैं ये जीरो आ रहा है, ये आ रहा है जीरो, जबकि हमारा ये ऑप्शन सी नहीं हो सकता है, तो सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग ये देखते हैं कि डी ऑप्शन की बात करते हैं यहीं पे, तो डी ऑप्शन में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे, यहां भी x टेंस टू इन्फिनिटी पे sec स्क्वायर की वैल्यू, sec स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर f ऑफ n ऑफ x, ये हमारा लिमिट हो जाएगा, जबकि हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर चुके हैं, जीरो आया है, तो ये आ जाएगा वन, और डी ऑप्शन में ये वन आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज ओनली डी ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, तो 6 पे देखते हैं क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस टी एन आर बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन, एक्स प्लस आई वाई एक्स वाई आर द रियल नंबर्स, आई इज अंडर रूट माइनस वन फॉर इक्वेशन दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जेड बार एक्स माइनस आई वाई, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू ऑप्शंस, सो कौन सा ट्रू ऑप्शन है, ये हम लोगों को ढूंढना है, तो हम ये देखते हैं, इसके लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ है एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। अगर हम कंजुगेट ले ले इस पे, पूरे पे कंजुगेट ले ले, तो एस बार जेड बार प्लस टी बार और यहां जेड हो जाएगा और प्लस आर बार हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं,
ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इनको ऐड कर दें, ऐड करने से सिमिलर टर्म यहां कलेक्ट हो जाएंगे, तो एस प्लस टी बार जेड हो जाएगा प्लस एस बार प्लस टी टी जेड बार हो जाएगा और प्लस आर बार हो जाएगा। ये दिया हुआ है जीरो, ये दिया हुआ है जीरो। इसको इक्वेशन नंबर हम थ्री मान लेते हैं। तो यहां हमने क्या किया था, वन प्लस टू किया था, अब वन माइनस टू कर देते हैं। वन माइनस टू कर दे अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां एस माइनस टी जेड हो जाएगा प्लस टी माइनस एस बार जेड बार हो जाएगा और प्लस आर माइनस आर बार हो जाएगा। ये हम लोग फोर देखते हैं। सो ये अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो एल हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एल हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कब एक सॉल्यूशन मिलेगा उसके लिए, इसका एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जेड की एक यूनिक वैल्यू कब मिलेगी, जब दिस बाई दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाई दिस। सो फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एल हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन एस माइनस टी बार प्लस डिवाइडेड बाय एस माइनस टी बार इज नॉट इक्वल टू एस बार टी प्लस एस बार डिवाइडेड बाय, यहां प्लस है, t माइनस एस बार, और यहां से हमें मिल जाएगा सब कुछ कैंसिल होके s का मॉड इज नॉट इक्वल टू t का मॉड, ये मिल जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन। सो ये a ऑप्शन सही है, a ऑप्शन हमारा सही है। सो l हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, फॉर वन सॉल्यूशन दिस इक्वल टू दिस बाय दिस कोफिशिएंट ऑफ z, दिस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z, दिस z बार डिवाइड बाय z बार। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो वहां से s का मॉड इज नॉट इक्वल टू t का मॉड आ गया। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जो कि दिया हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है, फॉर s इक्वल टू, फॉर s इक्वल टू t दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये अगर लाइन कोइंसाइड करेगा तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए ये पैरेलल का भी केस है, अगर दो लाइन पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो नो सॉल्यूशन का भी यही केस है, तो नो सॉल्यूशन का भी यही केस है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही नहीं है। सो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, सो बी ऑप्शन विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग अगला देखते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड एंड ए सर्कल इज एटमोस्ट टू। तो यस इट इज, क्योंकि सी ऑप्शन एक सर्कल है और ये एक लाइन है, तो इसका सबसे ज्यादा दो बार कट पॉइंट होगा, दो कट पॉइंट होगा, एटमोस्ट टू सॉल्यूशन। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्कल के साथ इन्होंने लाइन का इंटरसेक्शन देखा है तो इसका एटमोस्ट टू सॉल्यूशन होगा। और लास्ट में क्या कहा जा रहा है, इफ एल हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, अगर एल का मोर देन वन सॉल्यूशन मिल रहा है देन एल हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अगर मोर देन वन सॉल्यूशन मिल रहा है और ये दोनों दो लाइन है तो डी ऑप्शन, अगर दो लाइन है मोर देन वन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन वन है और इसी पे ये लाइन टू भी हो जाएगी, ये कॉन्साइड हो जाएगी इसी पे, ये लाइन टू भी हो जाएगी, तो लाइन एल वन कॉन्साइड एल टू। सो इसका मतलब यहां देखो बहुत सारे सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशन ही मिल जाएंगे। तो अगर मोर देन वन सॉल्यूशन दो लाइन का मिल रहा है, इसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कॉन्साइड कर जा रहा है, कॉन्साइड करने पे ही ये मोर देन वन सॉल्यूशन मिलेगा, दिस मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो डी ऑप्शन सही है। सो डी ऑप्शन इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो टोटल करेक्ट ऑप्शंस आर ए सी एंड डी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है ये हम लोग देखते हैं। यहां दिया हुआ है E1 एक सेट दिया हुआ है, इस तरीके से E2 भी एक सेट दिया हुआ है। Here inverse trigonometric function sin inverse x assumes minus pi by 2 to pi by 2 value. और E1 is a E1 to R एक function है, E2 to R एक another function है। ये दो function दिया हुआ है तो ये option हमें select करने हैं। तो हम लोग 1 by 1 इसका option select करते हैं, तो P को solve करते हैं। तो range of F देखते हैं। तो range of F के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। तो रेंज ऑफ एफ, तो पी पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो एफ जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, जो एफ एक्स फंक्शन है वो दिया हुआ है क्या, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन एट बेस ई। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का हमें रेंज फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एक्स बाई एक्स माइनस वन ये तो ग्रेटर देन जीरो ही है, तो ग्रेटर देन जीरो वन में लॉग का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, तो ये इनपुट वैल्यू है, ये इनपुट वैल्यू है, और ये अगर ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान देना है यहाँ जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम लोग रेंज में हमारा जीरो रख दें, सपोज जीरो रख के देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम जीरो रख दें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका रेंज होगा, लेकिन जीरो पे ये अनडिफाइंड है। अगर हम रेंज में जीरो ले लें, तो जीरो ले लें तो ln ऑफ x बाई x माइनस, तो वहाँ से कोई रियल वैल्यू ऑफ x नहीं मिलेगा, तो ये e की पावर जीरो मिल रहा है, ये x बाई x माइनस वन मिल रहा है, जो कि ये वैल्यू वन ले लें तो ये x इक्वल टू x माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से x x कैंसिल होके जीरो इक्वल टू माइनस वन हो रहा, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब जीरो इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेंज, तो जीरो पार्ट रेंज का नहीं है। तो रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी, जीरो इसके रेंज में नहीं होगा, बाकी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो पी का मिल गया हमें ऑप्शन, पी का यहां फोर्थ ऑप्शन है, तो P मैच विद फोर्थ, E मैच विद फोर्थ, ये हमें मिल गया। अब हम Q की बात करते हैं, तो यहां अगले पॉइंट Q की बात करते हैं। तो Q में क्या दिया हुआ है, करें रेंज ऑफ G कंटेन, तो G का रेंज क्या कंटेन कर रहा है। तो G हमारा फंक्शन क्या है, जो G फंक्शन है इस पे साइन इनवर्स और ले लिया गया है। तो G ऑफ X फंक्शन की बात करें अगर हम, तो ये साइन इनवर्ज यहां पे ये लॉग ऑफ ई एक्स बाई एक्स माइनस वन ये हमारे पास है। तो हमें ये पता है कि जो ये वैल्यू है वो जीरो से लेस और जीरो से आगे है, लेकिन साइन इनवर्ज लगने का मतलब क्या है, साइन इनवर्ज लगने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू एक्स माइनस वन ये हमारा माइनस वन से जीरो तक लाई करेगा और लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन एट बेस ई ये जीरो से वन तक लाई करेगा या जीरो से वन तक लाई, माइनस वन से जीरो तक लाई करेगा, ये यहां से यहां तक लाई। अब इसी पे हम साइन इनवर्स ले लेते हैं क्योंकि साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो साइन इनवर्स ले रहे हैं, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये जी ऑफ एक्स और साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, तो ये आ गया। और जीरो साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन ये पाई बाई टू आ गया। तो जी एक्स का जो रेंज है वो हमारे पास आ गया माइनस पाई बाई टू से जीरो यूनियन जीरो टू पाई बाई टू, ये इसका रेंज आ गया हमारे पास। सॉरी यहां पे जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, यहां जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास यूनियन जीरो से पाई बाई टू इंक्लूड करेंगे,
ये हमारा रेंज जी एक्स का आ गया। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है रेंज ऑफ जी कंटेन, रेंज ऑफ जी क्या कंटेन कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 0 to 1, 0 to 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो 0 to n बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये पूरा ये इसका सबसेट है, इसके अंदर आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब Q मैच कर रहा है, Q मैच्ड विद सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन Q मैच्ड विद सेकंड ऑप्शन। तो ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अब हम करें कि डोमेन ऑफ F कंटेन, डोमेन ऑफ F कंटेन, डोमेन F का डोमेन क्या कंटेन करेगा, F का डोमेन क्या कंटेन करेगा, ये हम लोग देखते हैं। तो जब हम F के डोमेन की बात करते हैं तो यहां पे अगले पेज पे चलते हैं। तो F का डोमेन, F हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स हमारा फंक्शन था लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन एट बेस ई, ये हमारा फंक्शन था। अब इन्होंने कहा है कि इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ F में क्या है, तो डोमेन ऑफ F की बात करते हैं अगर हम, तो हम ये देखते हैं कि डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x बाई एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। डोमेन ऑफ F कंटेन, डोमेन ऑफ F कंटेन विच ऑप्शन, सो डोमेन ऑफ F कंटेन करता है हमारा कौन सा ऑप्शन, इसके लिए हम देखते हैं कि इसका क्या डोमेन आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन वन। अब ये x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन वन कहां आ रहा है, ये हम लोग देखते हैं, ये हमारा पहले ऑप्शन में आ रहा है। सो दिस डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 1 to infinity, दिस बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू द सेट माइनस इंफिनिटी टू 1/1 माइनस ई यूनियन दिस कंटेन। तो ये कंटेन कर रहा है, मतलब ये हमारे पास डोमेन में रहेगा। एक मिनट, दिस कंटेन इसका मतलब इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर कौन सा पार्ट लाई कर रहा है, दैट लाइज वन, वन ऑप्शन वन, ये माइनस इंफिनिटी टू 1/1 माइनस ई है, ये यूनियन ई बाई ई माइनस वन टू इंफिनिटी, ये इसके अंदर आ रहा है, दिस इज इन बिटवीन दिस सेट विच इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 1 to infinity, इसके अंदर ये पूरी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब आर मैच्ड विद वन, आर मैच्ड विद वन, ये हमारा आर का ऑप्शन हो गया। हेलो सर, एंड एस ऑप्शन इज, एस ऑप्शन अगर हम एस क्वेश्चन नंबर एस के पार्ट को देखते हैं तो एस पार्ट क्या है, डोमेन ऑफ जी। तो जी फंक्शन हमारा क्या था, जी ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एट बेस ई। तो ये हमारा जी एक्स फंक्शन है और इसका हम लोगों को डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन हम लोग देखते हैं, डोमेन के लिए हमें ये पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो कर देना है, डोमेन के लिए ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और साथ में साइन इनवर्स लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जीरो ग्रेटर देन तो जीरो है ही है, साथ में माइनस वन से वन, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है, लेकिन क्योंकि ग्रेटर देन जीरो लिया गया है इसलिए हम जीरो से पाई बाई टू तक लेंगे। तो ये वैल्यू हमारा लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन एट बेस ई, ये लाई करेगा जीरो से
पाई बाई टू तक, ये जीरो से पाई बाई टू तक लाई करेगा, तो जीरो से पाई बाई टू तक लाई करेगा। अब हम लोग यहाँ पे लॉग हटा देते हैं, तो एक्स बाई एक्स माइनस वन ये क्या हो जाएगा, e की पावर जीरो जो कि वन हो जाएगा, हम लोग देखते हैं e की पावर जीरो वन हो जाएगा, और यहाँ e की पावर पाई बाई टू, ठीक है, तो e की पावर पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो भी ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन में से जो x है वो बिलोंग कर रहा है किस सेट को, पहले ही ऑप्शन को बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी टू वन बाई वन माइनस ई टू, यूनियन ई बाई ई माइनस वन टू इंफिनिटी, ये इस डोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमें इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये जो एस ऑप्शन है एस मैच कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ, फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो हमारा पहला ए पार्ट करेक्ट है, तो पार्ट ए इज करेक्ट, पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग एट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर एट ये है, ये क्वेश्चन नंबर एट को हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है एक बार देखते हैं, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये साइन इनवर्स के अंदर वैल्यूज है जिन पे सिग्मा लगा हुआ है और यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे ही एक काम कर सकते हैं, इसको पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स को साइन बना सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स सिग्मा आई वन से लेके यहां तक इंफिनिटी तक है माइनस एक्स बाई टू की पावर आई है माइनस सिग्मा माइनस एक्स होल पावर आई और फ्रॉम आई वन टू इंफिनिटी, ये हमारा और ये साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स हटा के हम लोग यहां पे एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम लोग यहां से ही आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये इक्वेशन के अंदर क्या है, इसका सम लिख के और साइन इनवर्स हटा के हम एक्स में एक इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, तो ये हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, साइन इनवर्स हटाने के बाद हमारा क्वेश्चन बन गया था सिग्मा ऑफ आई वन टू इंफिनिटी एक्स की पावर आई प्लस वन माइनस एक्स सिग्मा आई फ्रॉम वन टू इंफिनिटी एक्स बाई टू होल पावर आई, और यहां राइट हैंड साइड में क्या आ गया था, सिग्मा माइनस एक्स बाई टू होल पावर आई आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, और यहां माइनस सिग्मा माइनस एक्स की पावर आई आई वन से इन्फिनिटी, ये हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स हटाने के बाद। अब हम देखते हैं इसका, ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम क्या होगा, i इक्वल टू वन के लिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो ये एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका कॉमन रेशियो x है, और यहां x इंटू इसका इनफाइनाइट जीपी का सम क्या हो जाएगा, आई वन के लिए एक्स बाई टू ए बाई वन माइनस आर, वन माइनस आर, आर क्या है, आर बाई एक्स बाई टू ही है,
ये हो गया इधर का सम, और इसको हम लोग अगर सम फाइंड करें तो ये क्या है, माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा यहाँ। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वन के लिए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बन रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है एक चीज़, तो x इन सब में है तो इसका मतलब x जीरो हो सकता है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते, एक सोल्यूशन तो यही हो गया। अब हम उस x को कैंसिल कर दें जिससे ये जीरो मिल रहा था, तो हमारे पास यही क्वेश्चन बन जाएगा x बाई वन माइनस एक्स माइनस, या एलसीएम भी ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इधर लिख देते हैं तो वन बाई वन प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ये बाई टू है, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक कैंसिल हो ही गया था तो वन बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से जो भी सोल्यूशन मिलना हमें फाइंड क्या करना था, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो हमें एक तो x इक्वल टू जीरो मिल गया, और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि क्या मिलेगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो टू प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कट गया, एक एक्स भी कट गया या इधर, और इधर भी कैंसिल हो गया यहाँ वन से वन, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आया x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आया माइनस थ्री एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट आया। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे और यहां से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो यहां कैंसिल क्या हो रहा है, यहां कैंसिल एक्स स्क्वायर हो रहा है, यहां टू टाइम्स बचेगा लेकिन, तो हमारे पास ये जो फंक्शन बचा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस फाइव एक्स माइनस टू आ गया। इसको अगर हम एफ एक्स मान लें, इसको हम एफ एक्स मान लें तो एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू हम देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है, और एफ ऑफ वन बाई टू पे वैल्यू निकाले तो क्योंकि हमें ये सोल्यूशन जो फाइंड करना है वो माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइंग इन द इंटरवल माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू, तो हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन की वन बाई टू पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी इस फंक्शन को, तो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन बाई टू ये वैल्यू फाइनली निगेटिव आएगी। इसका मतलब जीरो, एक तो x इक्वल टू जीरो आ गया एंड वन सोल्यूशन लाइज बिटवीन जीरो टू वन बाई टू, एक यहाँ आ गया तो जीरो से वन बाई टू के, तो टोटल हमारे पास इसके दो सोल्यूशन आ गए, सो टू सोल्यूशंस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के, जो कि क्वेश्चन नंबर नाइन है।
क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये हम लोग एक बार समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमारा सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जीरो इज सच दैट 1 बाई जेड जीरो माइनस 1 इज द मैक्सिमम फॉर द सेट दिस बिलोंग्स टू दिस द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस वी रिक्वायर। तो इसको हम लोग करने के लिए इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो z0 अगर हम मान लें x0 प्लस आई वाई जीरो ये एक पॉइंट है, तो 1 बाई जेड जीरो माइनस 1 ये मैक्सिमम होगा। दिस इंप्लाइज दैट जेड जीरो माइनस 1 का मॉड मिनिमम होगा वेयर z लाइज ऑन द जेड जीरो। ये लाई कहां कर रहा है, ये एक सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है मिनिमम के लिए, और बाकी सर्कल के बाहर का रीजन है तो रूट फाइव। ये सर्कल का सेंटर और रेडियस अगर हम लोग देखते हैं, इसका सेंटर टू कॉमा माइनस वन है, तो 2, -1 विल बी हियर। ये 2, -1 इसका सेंटर है इस सर्कल का, और रेडियस इसका रूट फाइव है। तो हम लोग यहां से यहां ड्रॉ कर देते हैं, ये रूट फाइव डिस्टेंस ही है, इसका मतलब हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से ये जा रहा है। तो अब क्योंकि 1, 0 ये 1, 0 यहां पे है, अब जेड जीरो ऐसी जगह है कि इससे मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम है, तो जेड को हम ऑब्वियस सी बात है यहां ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे। तो ये हमारा जेड जीरो की पोजीशन होनी चाहिए और यहां सेंटर से ज्वाइन कर देंगे हम जेड जीरो की 1 से डिस्टेंस, ये मिनिमम होनी चाहिए। तो ये जेड हमारा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन जाके जहां पे कट कर रही है सर्कल को, ये हमारा वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग ये लाइन फाइंड कर लेते हैं। तो ये सी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और इसका स्लोप क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वन माइनस टू ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई माइनस वन। तो इसका स्लोप माइनस वन है। इस लाइन की इक्वेशन अगर हम लोग निकालें तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 m × x − x1, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा, यहाँ से 1, 1 एक कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x plus y इज इक्वल टू 1। ये लाइन हमारे पास ये आ रही है, ये लाइन आ रही है जो सर्कल को जहाँ कट करेगा वो हमें पॉइंट फाइंड कर लेना है। तो उसी पॉइंट पे ही हम लोगों को ये क्वेश्चन कर लेना है, तो वहाँ वो जेड जीरो रख देंगे हम। तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, यहां सर्कल के साथ सॉल्व कर ले। तो सर्कल हमारे पास क्या है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव का स्क्वायर। इसमें हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन रख के इसको सॉल्व कर ले। तो सॉल्व करने पे अब देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि हमें यहां पे अगर मैं x0 और y0 इसको सॉल्व करने से बेटर क्या है, अगर x0 y0 मान ले तो यहां स्लोप से हमें ये x0 y0 में एक रिलेशन बन जाएगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो z0 बेसिकली हमारे पास क्या है, x0 प्लस आई वाई जीरो, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हमें z हो सकता है सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्लोप हमारा माइनस वन है, अब यहाँ से हम स्लोप वही निकालें तो वाई जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स जीरो माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से वाई जीरो इक्वल टू माइनस एक्स जीरो प्लस वन, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। इसी लाइन पे, बेसिकली इसी लाइन पे ये एक्स जीरो वाई जीरो भी लाई कर रहा है, तो एक्स जीरो वाई जीरो में रिलेशन ये आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो फोर माइनस जेड जीरो प्लस जेड जीरो बार फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई जेड जीरो माइनस जेड जीरो बार प्लस टू आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो ये फाइंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं जेड जीरो एक्स प्लस आई जीरो है, तो जेड जीरो बार क्या होगा, एक्स जीरो माइनस आई वाई जीरो होगा। तो इनको अगर हम ऐड करें तो जेड जीरो प्लस जेड जीरो बार ये टू एक्स जीरो हो जाएगा, और जेड जीरो माइनस जेड जीरो बार ये क्या हो जाएगा, टू आई वाई जीरो, ये हम यहां पुट कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा ये फोर माइनस जेड जीरो प्लस यहां टू एक्स जीरो हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू आई वाई जीरो हो जाएगा, और प्लस टू आई हमारे पास पहले से ही है। तो देखिए यहां पे कुछ चीजें सिंप्लीफाई हो गई, एक तो टू कैंसिल हो गया, यहां से टू ये टू, तो टू माइनस एक्स जीरो है यहां, और यहां पे क्या है, आयोटा कॉमन लेने पे वाई जीरो प्लस वन आ गया, और वाई जीरो की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, तो टू माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई जीरो की वैल्यू माइनस एक्स जीरो, तो वाई जीरो एक था ही, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स जीरो प्लस वन हो गया। तो ये वाई जीरो की वैल्यू हमने, एक मिनट यहां थोड़ा सा गलती हो गई है, यहां हमें वाई जीरो की जगह पुट करना है। तो ये हमारे पास आ गया था टू माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई जीरो की जगह ये पुट करनी है, तो माइनस एक्स जीरो प्लस वन, और फिर यहाँ प्लस वन पहले से है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टू माइनस एक्स जीरो न्यूमरेटर में है, आई टाइम्स ऑफ ये भी टू माइनस एक्स जीरो ही है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया वन बाई आयोटा, वन बाई आयोटा। ये जो कैलकुलेशन है जिसका हमें आर्गूमेंट निकालना है, सो इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फोर माइनस जेड जीरो माइनस जेड जीरो बार डिवाइडेड बाई जेड जीरो माइनस जेड जीरो बार प्लस टू आयोटा, ये वैल्यू आ गया आर्गुमेंट ऑफ, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके वन बाई आयोटा आ गया। तो वन बाई आयोटा यहां रख देते हैं आयोटा, तो ये आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो यही हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा, विच आर्गुमेंट हैज माइनस पाई बाई टू, सो इट्स ऑप्शन इज बी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग 9 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है यहां, यहां एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है और इसके बेस पे इन्होंने कहा है कि आर द टू फंक्शंस डिफाइंड एज द सेट हुज एलिमेंट्स आर रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनके एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। एफ एक्स क्या है, एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो के एलिमेंट्स को रखा गया है, वाई में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के एलिमेंट्स को रखा गया है, और जी एक्स जेड जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिकली एक्स वाई जेड ही डब्ल्यू को ही हमें फाइंड करना है, हम इसको फाइंड करके ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इजली कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहां फाइंड करते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें x क्या है,
एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई कॉस ऑफ एक्स, इसको अगर हम जीरो करें फॉर एक्स, दिस सेट एक्स फाइंड करने के लिए हमें ये जीरो करना पड़ेगा, तो साइन जीरो एन पाई पे होता है, इसका मतलब पाई इंटू कॉस ऑफ एक्स दैट विल बी एन पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ एन आ रही है। लेकिन आपको पता है कॉस एक्स की वैल्यू एन आ रही है, एन एक इंटीजर है, एन एक इंटीजर है, तो अब यहाँ पे एन क्या क्या हो सकता है, तो एन मस्ट बी आइदर माइनस वन आर जीरो आर वन। तो कॉस एक्स माइनस वन जीरो और वन जहां जहां हो रहा है वो सेट हमारा एक्स है। तो वो एक्स सेट क्या है, वो एक्स सेट हमारे पास आ रहा है कि कॉस एक्स आपको पता है जीरो कहां होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, वन कहां होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे, और माइनस वन कहां होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू और टू पाई एंड फाइव पाई बाई टू, ये सारा आ रहा है, ये हमारा एक्स सेट हो गया। सिमिलरली हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा जी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो अगर हम जी एक्स को जीरो करें, जी एक्स हमारे पास क्या है कॉस ऑफ टू पाई साइन एक्स, दिस मीन्स कॉस ऑफ टू पाई साइन एक्स, इसको अगर हम जीरो करें और ये हमारा क्या है जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो जो हमारा है वो जेड, तो जेड फाइंड कर रहे हैं हम लोग, जेड सेट फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस जीरो कहां होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है, तो टू पाई इंटू साइन ऑफ एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो यहां से हम देखते हैं कि ये टू से टू कट गया और यहां से साइन एक्स जो मिल गया हमारे पास वो क्या मिल गया टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर हो गया। अब यहां से अगर हम एन इंटीजर रखें, सपोज एन की वैल्यू हम जीरो रख दें, तो ये आ रहा है कितना वन बाई फोर, एन की वैल्यू वन रख दें तो ये थ्री बाई फोर आ जाएगा, एन की वैल्यू अगर हम टू रख दें तो ये फाइव बाई फोर आ रहा है जो कि नहीं होगा, तो एन की वैल्यू अगर हम माइनस वन रख दें, माइनस वन रखने पे माइनस वन बाई फोर आ रहा है, और एन की वैल्यू अगर हम माइनस टू रख दें तो माइनस थ्री पाई बाई फोर, माइनस थ्री बाई फोर आ रहा है। तो हमारे पास ये साइन एक्स की जिन एंगल पे ये वैल्यूज हो रही हैं वो एंगल हमें लेना है, तो वो जेड हम लोगों को ले लेना है, तो साइन इनवर्स, तो हमारे पास ये जेड क्या आ गया माइनस साइन इनवर्स थ्री बाई फोर माइनस साइन इनवर्स वन बाई फोर और साइन इनवर्स वन बाई फोर साइन इनवर्स थ्री बाई फोर, दीज आर द एलिमेंट्स इन द जेड। तो एक्स हमें सेट मिल गया और जेड हमें सेट मिल गया। अब हम एफ डैश एक्स वाई निकालते हैं, सेट वाई निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हमें जीरो करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ कॉस ऑफ पाई कॉस ऑफ एक्स इंटू बाई चैन रूल पाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पाई इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस साइन एक्स, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आइदर ऑफ देम इज जीरो आर द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स इन वाई, तो जब हम ये जीरो करेंगे तो ये पाई कॉस एक्स या तो जीरो होगा या साइन एक्स जीरो होगा। तो यहां से हमें देख रहे हैं तो ये कॉस की वैल्यू जीरो कब होगी, ये कॉस है यहां पे, ये वैल्यू जीरो कब होगी जब ये हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, तो पाई कॉस ऑफ एक्स इज ऑड
मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और कॉस एक्स की ये वैल्यूज मिल गई। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू में ये एन क्या क्या होता है, तो कॉस एक्स की यहाँ पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। कॉस एक्स अगर हम रख देते हैं यहाँ जीरो रख दें तो वन मिल गया, और अगर हम माइनस वन रख देते हैं तो माइनस वन मिल गया। तो ये वन और माइनस वन यही दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हमने इसमें हमने माइनस वन रखा तो माइनस वन मिल गया, और जीरो रखने पे वन मिल गया। अगर हम वन रख देंगे तो थ्री हो जाएगा, जो कि कॉस एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती है, और यहाँ पे एक्स एन पाई हो सकता है। तो इसको और इसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमें वाई मिल जाएगा। जो वाई हमारा सेट होगा वो आ रहा है हमारे पास टोटल जो एलिमेंट वन और पाई इस पे आ रहा है वो वाई आ रहा है पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री और पाई और फोर पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री एंड सो ऑन, ये हमारे पास वाई आ रहा है। सिमिलरली हम लोग जेड निकाल सकते हैं, जेड हमारे पास ये आ रहा है, जेड तो निकाल चुके हैं, डब्लू निकाल सकते हैं। और डब्लू क्या आ रहा है ये हम लोग देखते हैं कि डब्लू क्या आ रहा है, डब्लू भी इस तरीके से डब्लू हमारे पास आ गया, और डब्लू हमारे पास जो सेट आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू और फाइव पाई बाई सिक्स, पाई थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन। ये एक्स वाई जेड डब्लू आ गया, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ये जेड आ गया आपका, और ये डब्लू आ गया, ये जेड और डब्लू सब कुछ आ गया। अब इसी में से हमें मैच कराना है दोनों क्वेश्चन को, तो दोनों क्वेश्चन में हम मैच कराते हैं, वो देखते हैं कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर वन है। इस क्वेश्चन नंबर वन का जो पहला पार्ट है ये सेकंड का जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं हम लोग। इसके पहले टेन होगा, तो क्वेश्चन नंबर टेन में हम देखते हैं कौन सा पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर टेन का ये है, क्योंकि यहां पे देखिए ये फोर और थ्री इसी के बारे में इन्होंने बात किया है, तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो फोर्थ और थर्ड से ही मैच कराया गया, तो फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ ये और थर्ड ये है, तो इसी से मैच कराया गया है। तो जेड हमारे पास आ ही गया था, डब्लू भी हमारे पास आ गया था, डब्लू हमारे पास सेट क्या था, डब्लू हमारे पास था पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू और फाइव पाई बाई सिक्स, पाई थ्री पाई बाई टू, ये हमारा W था। अब ये W किससे मैच कर रहा है, W यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट पाई बाई टू आ रहा है, इधर पाई बाई टू यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, W P से मैच कर रहा है, R से भी मैच कर रहा है, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ये AP में नहीं है, तो इसका मतलब इससे भी मैच कर रहा है, तो इससे भी मैच कर रहा है। और साथ में S क्या है, S पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स भी इसमें आ रहा है, देखो पाई बाई सिक्स भी इसमें आ रहा है, पाई बाई सिक्स कहाँ आ रहा है, S में, S से भी मैच कर रहा है। तो जो हमारा ये ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये मैच कर रहा है वो P Q और S से मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा A ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम लोग अगला 11th क्वेश्चन करते हैं। तो 11th क्वेश्चन के लिए हम लोगों को आगे मूव करना पड़ेगा, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया हुआ है सेकंड दिया हुआ है सेकंड, तो सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड में वाई दिया हुआ है, और वाई हमारे पास पहले से ही आ चुका है, वाई हम लोगों ने निकाल लिया था पाई बाई थ्री और टू पाई बाई थ्री और पाई और फोर पाई बाई थ्री, फाइव पाई बाई थ्री एंड टू पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा ये वाई आ रहा है। तो अगर हम वाई को देखते हैं
तो y को देखते हैं, तो y के साथ कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो y में हम लोग देखते हैं एक तो q मैच कर रहा है, क्योंकि q नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस माइनस दिस पाई बाई थ्री, दिस माइनस दिस पाई बाई थ्री, दिस माइनस दिस पाई बाई थ्री, ये ap में है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये मैच कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं टी ऑप्शन देखते हैं, तो टी ऑप्शन ये हम चेक कर रहे हैं, तो क्यू के साथ मैच कर गया। टी में क्या है, पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री इसमें है, इसका मतलब ये टी ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सो डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 जिसका हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक सीरीज है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम लोगों को ये सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या है ये एफ एन, इसी के बेस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम लोग अगले पेज पे चल के इस क्वेश्चन के एफ एन को फाइंड करते हैं। तो एफ एन सॉरी तो क्वेश्चन नंबर एफ के इस एफ एन को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ये एफ एन फाइंड करते हैं, इसके लिए हमें क्या है अगले पेज पे मूव करना है। तो ये एफ एन क्या दिया हुआ है, ये अगर हम देखते हैं कि ये साइन के इक्वल टू 0 टू एन, साइन ऑफ के प्लस 1 बाई एन प्लस 2, एन प्लस 2 इंटू पाई, और साथ में यहां दिया हुआ है साइन ऑफ के प्लस 2 बाई एन प्लस 2 इंटू पाई, और यहां दिया हुआ है समेशन साइन स्क्वायर के प्लस 1 बाई एन प्लस 2 इंटू पाई। तो यहाँ डेफिनेटली फॉर्मूला लगाना है, यहाँ 2 से अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यह फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो हमें पता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी टू साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यहाँ ऊपर लग जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगी यहां समेशन लगा हुआ है, तो कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाई एन प्लस 2 ये आ जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये दोनों अगर प्लस कर दिया जाए तो यहां 2k प्लस 3 हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 ये हमारा यहाँ बन गया k इक्वल टू 0 से और ये n तक है। यहाँ हम देखते हैं सिमिलरली यहाँ भी k इक्वल टू 0 से है, k इक्वल टू 0 से n तक, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये समेशन क्या आएगा, ये समेशन 1 माइनस cos 2a, 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2 ए, 2 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 इंटू पाई, ये हमारा आ गया, और के इक्वल टू 0 से लेके एन तक। तो इसको ये बेसिकली सीरीज है एक सम, ये समेशन इस पे भी आ जाएगा, ये समेशन इस पे भी आ जाएगा, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये एन प्लस 1 हो जाएगा, ये एन प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ, क्योंकि इसमें के है नहीं, तो cos ऑफ पाई बाई एन प्लस 2 हो गया, और यहां पे समेशन लग जाएगा, तो cos ऑफ 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 इंटू पाई k 0 से n तक ये आ गया।
और यहाँ पे भी यही काम करेंगे, यहाँ भी n प्लस वन हो जाएगा, तो ये n प्लस वन हो जाएगा माइनस, यहाँ समेशन आ जाएगा कॉस ऑफ टू टाइम्स ऑफ k प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस टू इंटू पाई बाई टू, और यहाँ कॉस और कॉस के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कैलकुलेट होके ये पूरा हमारा एफ एन आ जाएगा। तो कॉस के सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, यूज फॉर्मूला, यूज कौन सा किया गया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये सीरीज का सम यहाँ लगा देना है। तो ये हो जाएगा साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ और यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास पाई बाई एन प्लस टू कॉस ऑफ पाई बाई टू एन प्लस टू, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो कॉस ऑफ दिस एफ एन, ये आ जाएगा, ये एफ एन आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन। यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, तो ध्यान देना है, हमें एफ एन मिल गया है, एफ एन इज वॉट कॉस ऑफ पाई बाई एन प्लस टू, ये हमारा एफ एन आ गया है। अब पहला ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कि साइन ऑफ सेवन कॉस इनवर्स एफ ऑफ फाइव की वैल्यू ये जीरो होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो एफ एन हमें मिल चुका है, तो एफ ऑफ फाइव की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फाइव रख दें अगर हम एन की वैल्यू, तो ये सेवन आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई सेवन आ जाएगा। यहाँ रख दें तो ये ऑप्शन में, तो साइन इनवर्ज सेवन इंटू कॉस इनवर्ज, कॉस इनवर्ज कॉस ऑफ पाई बाई सेवन आ गया, और कॉस से कॉस इनवर्ज हट के ये पाई बाई सेवन आ जाएगा। तो ये साइन इनवर्ज सेवन यहाँ पाई, साइन इनवर्स पाई आ जाएगा, ये सॉरी साइन इनवर्स नहीं है, यहाँ साइन है, थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ साइन है, साइन है, तो ये साइन ऑफ पाई हो जाएगा, और साइन ऑफ पाई जीरो होता है, लेकिन ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग जो है दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लिमिट कह रहे हैं कि एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन की वैल्यू वो वन बाई टू होनी चाहिए। तो देखते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ पाई बाई एन प्लस टू, अगर एन इन्फिनिटी रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन इन्फिनिटी पे पाई बाई इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा, और कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, वन होता है, जबकि यहाँ दिया हुआ है वन बाई टू, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। तो सी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, सी ऑप्शन क्या है, कह रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू टेन ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ सिक्स, तो ये देखते हैं टेन ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एफ ऑफ सिक्स की वैल्यू क्या होगी, सिक्स इंटू टू एट, तो ये कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई एट हो जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स हट जाएगा और ये टेन पाई बाई एट आ गया यहाँ से, ये अल्फा की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर इक्वल टू टू टेन पाई बाई एट डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई एट, ये रिलेशन हमारे पास है, और ये वैल्यू होती है वन, और यहाँ से ये अल्फा रख देते हैं, तो टू अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा स्क्वायर,
और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो ये आ जाएगा। तो ये इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सिमिलरली एफ ऑफ फोर अगर हमें कैलकुलेट करना है जैसा डी ऑप्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ फोर, तो एफ ऑफ फोर इसमें फोर डाल देते हैं तो कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा, और कॉस थर्टी की वैल्यू, कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है जो कि ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। तो हमारे पास टोटल जो करेक्ट ऑप्शन आए हैं ए सी डी, सो इस क्वेश्चन का ए सी डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ओके। सो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, ओमेगा विद अ क्यूब रूट ऑफ यूटी मिनिमम सेट ऑफ दिस, ये एक एक्सप्रेशन एक्स ले लेते हैं अगर, तो ये ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड का स्क्वायर है। आपको पता है ये वैल्यू क्या होगी, जेड के मॉड का स्क्वायर, जेड जेड कंजुगेट होता है, ये ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इनका कंजुगेट, तो ए बी ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा हो जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ए बी सी रियल नंबर हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कंजुगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो ए इक्वल टू ए बी बार इक्वल टू बी और सी बार इक्वल टू सी, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान देना है इसमें हमने क्या है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन यूज जीरो यूज किया है और ओमेगा क्यूब ये वन यूज किया है, ये दोनों रिलेशन इसमें यूज किए जाएंगे। अब वन बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वन बाई टू हो गया, टू से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। इन्होंने ए बी सी के बारे में दिया हुआ है, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, तो अगर हम ए वन ले लें बी टू ले लें और सी थ्री ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, तो ए बी सी थ्री रख दें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वन बाई टू ए माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर, ये हम देख रहे हैं कि वन बाई टू इंटू सिक्स कैलकुलेट आ गया जो कि करके थ्री आ गया, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली थ्री आ रहा है, तो ये थ्री आ गया आपका। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है ये एक सीरीज है, ठीक है, तो ये जो सीरीज दिया हुआ है इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आगे चलते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये बेसिकली हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये सेक इनवर्ज वन बाई टू कर दें और ये समेशन के अंदर इसको नीचे ले आके कॉस कर देते हैं, तो कॉस करेंगे तभी फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सेवन पाई बाई फोर ट्वेल्व प्लस के पाई बाई टू ये आ गया, और यहाँ भी कॉस ऑफ सेवन पाई बाई ट्वेल्व प्लस के प्लस वन पाई बाई टू ये है, ये इस पर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जीरो से टेन तक दिया हुआ है,
तो अगर हम लोग 2 cos a cos b, cos a minus b plus cos a plus b का फॉर्मूला लगा दें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, sec इनवर्स 1/2। अब ये समेशन लगा हुआ है इस पे 1/2, तो ये देखते हैं cos a minus b, a minus b इसमें से अगर इसको माइनस करें तो हमारे पास आएगा क्या, cos pi by 2 आ जाएगा, माइनस cos a plus b अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आता है, तो ये आता है हमारे पास cos ऑफ दिस और दिस, ये 14 pi by 12 आ जाएगा यहाँ, और ये ऐड होके 2k plus 1 आ जाएगा, तो 2k plus 1 और pi by 2 आ जाएगा। ये हमारे पास ये रिलेशन आया, यहाँ k इक्वल टू 0 से 10 तक का सम हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में ये cos pi by 2 तो 0 हो गया, यहाँ तो आ गया माइनस 1। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, sec इनवर्स 1/2, और यहाँ माइनस 1 आ गया समेशन में, माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये जो माइनस आया यहाँ, इस माइनस को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब बेसिकली क्या है, ये सिग्मा लगा हुआ है और ये कॉस है, यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6 प्लस टू के प्लस 1 पाई बाई 2। यहां पे हम एक चीज और कर सकते हैं, तो यहां पे जब हम करते हैं तो पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यू होगी, ये देखिए जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो के पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec इनवर्स 1/2, और यहां पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos pi by 2 प्लस थीटा, cos pi by 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो यहां माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ 7 pi by 6 प्लस k pi हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात जब इसका समेशन करते हैं k इक्वल टू 0 से, k इक्वल टू 0 से 10 तक, तो k इक्वल टू 0 से 9 तक ये अल्टरनेट प्लस माइनस सेम वैल्यू आएगी और वो कैंसिल हो जाएगी, और k इक्वल टू 10 के लिए जो वैल्यू आएगी वो हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, तो हम वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और बाकी वो 0 हो गया, तो sec इनवर्स वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, sec इनवर्स 1/2 और माइनस 1 ऊपर था, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो माइनस 1/2 हो जाएगी k इक्वल टू 10 के लिए, ये जो वैल्यू आ गई वो sec इनवर्स 1 आ गया जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका 0 आंसर है। सो ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल दिस, ये वैल्यू 0 आ गई। ध्यान देने वाली बात कि जिस समेशन में k इक्वल टू 0 जो रखेंगे, k इक्वल टू 1 रखेंगे, वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 0 और 1 की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, फिर 1 से 2 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और 3 से 4 की वैल्यू, तो हम देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक 10 टर्म्स ऐसे मिलेंगे और ये कैंसिल होते चले जाएंगे, k इक्वल टू 10 के लिए ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी आंसर दे देगी, तो k इक्वल टू 10 के लिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है ये कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं, तो ये 15 क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिस इज गिवन, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वेयर आई देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा ये दिया हुआ है
इसमें जेड स्क्वायर एक फैक्टर है, तो जेड स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास ये जेड स्क्वायर माइनस जेड के मॉड का स्क्वायर, एक मिनट, ये अगर हम लोग देखते हैं क्योंकि यहां जेड स्क्वायर, यहां भी जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर है और यहां मॉड जेड का स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर इंटू जेड के कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल टू 4i जेड स्क्वायर है। तो जेड स्क्वायर इन पूरे में से कॉमन ले लें तो जेड स्क्वायर या तो जीरो होगा या जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू 4i होगा। तो यहां से भी दो फैक्टर कर सकते हैं, तो जेड प्लस जेड बार और यहां से जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 4i हो गया। और जेड प्लस जेड बार हमें पता है 2x होता है, जेड माइनस जेड बार 2yi होता है, ये 4i आ गया। तो 4i हम देख रहे हैं कैंसिल हो गया, 4i है तो एक्स वाई इक्वल टू 1 आ गया। इसी कर्व पे, ये एक कर्व है जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस तरीके से ये कर्व ड्रॉ होगा। और इस पे कह रहे हैं कि Z1 और Z2 दो ऐसी वैल्यू है जिसका Z1 हम देखते हैं कि अब मिनिमम वैल्यू के लिए हमें एक y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इसको y इक्वल टू x लाइन के साथ जो इसको सॉल्व करेंगे xy इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो 1,1 मिलेगा, यही हमारा Z1 होगा। और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो -1,-1 मिलेगा जो Z2 होगा। इसी Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो Z1 माइनस Z2 ये हम लोग देख रहे हैं कि Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 2√2। सो Z1 माइनस Z2 यही मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम ये हमें मिल गया, स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 दैट इज 8। इसका आंसर क्या है, 8 है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 8 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा ये एक्स वाई और वाई इक्वल टू एक्स के साथ, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स के साथ सिमेट्रिक होगा, वाई इक्वल टू एक्स इसका एक नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल और यहाँ पे एक टेंजेंट बन जाएगा, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा यही हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी, यही क्या होगी, Z1 माइनस Z2 के मॉड के स्क्वायर की मिनिमम डिस्टेंस होगी, यही हमें निकालना था, ये हमने फाइंड किया, ये आंसर आ गया आपका 8। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है। यहां पे हम लोग इस फंक्शन के लिए fx इक्वल टू 4 की पावर x डिवाइडेड बाई 4 की पावर x प्लस 2 में अगर हम f ऑफ 1 माइनस x फाइन करें तो ये आ जाएगा 4 की पावर x माइनस 1 माइनस x, 4 की पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1 माइनस x प्लस 2। इसको और इसको ऐड करो, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, इसको ऐड करें तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। ये हम लोग बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की 1 मतलब अल्फा और 1 माइनस अल्फा पे वैल्यू का सम 1 आ रहा है और यही यहाँ फाइंड करना है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बीच में f ऑफ 1 बाई 2 कब आएगा, जब 20/40 होगा, तो f ऑफ 1/40 और f ऑफ 39/40 इसको कंबाइन करके एक साथ कर लें, f ऑफ 2/40 प्लस f ऑफ 38/40 और बीच में जो 40/40 आएगा, ये इस तरीके से ये और ये दो दो टर्म मिलके यहाँ पे 18 टर्म्स हो जाएंगे, ये सॉरी 19 टर्म्स हो जाएंगे, 19 टर्म्स हो जाएंगे। और प्लस जो आएगा f ऑफ 1/2 जो f ऑफ 40/ यहाँ f ऑफ 20/40 है और यहाँ माइनस f ऑफ 1/2 है, तो ये 20 और ये 2 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ये टोटल 19 कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि ये
39 टर्म्स है, तो इसका आ हाफ करें 19 और प्लस 1 जो इसके साथ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 19 वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये है एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1/40। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे 1 कितनी बार आया, 19 बार, 1 + 1 + 1 + 19 टाइम्स, तो ये मिलके 19 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बस ये रिलेशन ध्यान देना है, एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इन दोनों का सम कितना है 1। तो ये एफ एक्स है और ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, ये सम हो गया 1। एफ एक्स इसके पहले वाला, बीच में एफ ऑफ 20/40 होगा जो कि वो एफ ऑफ 1/2 के इक्वल होगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा और ऐसे 19 कॉम्बिनेशन बन गए। 19 कॉम्बिनेशन से ये सम 19 आ गया, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में एक रिलेशन दिया हुआ है ये, और इस रिलेशन के बेस पे हमें ये फाइंड करना है। तो इस रिलेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो जेड स्क्वायर प्लस जेड का 1 mod ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी, हम लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी जेड 1 प्लस माइनस जेड 2 का मॉड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड 1 प्लस मॉड ऑफ जेड 2 और मॉड ऑफ जेड 1 माइनस मॉड ऑफ जेड 2, ये रिलेशन जानते हैं। ये रिलेशन ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यहाँ यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है, ये वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ये रिलेशन हम लगा देते हैं। पहला रिलेशन जेड 1 प्लस जेड 2 का मॉड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड 1 मॉड ऑफ जेड 2, यहाँ अगर ये रिलेशन लगा दे तो ये रिलेशन लगाने के बाद ये वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ जेड 1 क्या है, जेड प्लस 1/2 के मॉड का स्क्वायर प्लस जेड 2 3/4, और ये कट के आ जाएगा इधर आके 1/4 हो जाएगा। तो जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का मॉड ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जेड प्लस 1/2 के मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन किस पार्ट में दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा देखिए, तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि दूसरे ऑप्शन को ध्यान से देखें तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये क्या है कि जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड का मॉड ये लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसी में लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए लगा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉड माइनस, ये वाला रिलेशन लगाया, माइनस वाला रिलेशन लगाया इसके साथ माइनस वाला रिलेशन लगाया। तो माइनस वाला रिलेशन यहाँ लगाया गया और ये वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आके इधर ऐड हो जाएगा, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इस रिलेशन से, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ चुका है। और इससे हम यहाँ पे दूसरा वाला रिलेशन लगाएं तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड का होल मॉड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड, बट ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये 2 से छोटा है, तो ये वैल्यू भी 2 से छोटी हो जाएगी। और इसको अगर हम r मान लें तो r स्क्वायर माइनस r का मॉड यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 2 हो गया,
और इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व कर लें, इसको अगर हम पॉजिटिव ले लें तो आर स्क्वायर माइनस टू लेस देन आर इक्वल टू टू हो जाएगा। और यहाँ से ये आर है, ये आर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू लेस देन आर इक्वल टू, और इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो आर हमारा आ जाएगा वन टू टू, माइनस वन टू टू आ जाएगा। तो इसका मतलब आर टू से छोटा होना चाहिए, लेकिन आर क्या है, आर को हमने मॉड जेड माना है, तो आर वहाँ से आ गया लेस देन आर इक्वल टू टू, मतलब मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू टू। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। सो ये हमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी के दोनों पार्ट लगाने हैं, इस तरीके से हमें ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ये लगाया, इसका मॉड है यहाँ ये वाला पार्ट जो निगेटिव के साथ सॉल्व हो रहा है, तो निगेटिव के साथ सॉल्व हो रहा है, ये वैल्यू वन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ आर टू आर इज ए डिफाइंड फंक्शन दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू ऑप्शन। सो इस फंक्शन को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे हमें इसको मॉड को ब्रेक कर देना है, तो मॉड को x पॉजिटिव में ये x x माइनस साइन x हो जाएगा फॉर x पॉजिटिव, फॉर x निगेटिव यहाँ माइनस x हो जाएगा, x माइनस साइन x हो जाएगा। तो ये x निगेटिव के लिए है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर हमें मान लीजिए ये फंक्शन को देखना है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि एफ एक्स में x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स वाई एक्स फॉर x पॉजिटिव, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स वाई एक्स फॉर x निगेटिव। क्लियरली दिख रहा है कि जब x इन्फिनिटी, ये x ग्रेटर देन जीरो में f ऑफ प्लस इन्फिनिटी हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये वैल्यू जीरो होगा, और ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव इंटू वन माइनस जीरो, ये वन आ जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी है, ये पूरा प्लस इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। f ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम इसको देखें, यहाँ एक निगेटिव आ रहा है लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये माइनस इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव, ये इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कर रहे हैं। वन माइनस ये फाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब जो हमारा रेंज है इस फंक्शन का, फंक्शन एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। अब अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, एफ डैस एक्स कर दें, एफ डैस एक्स कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स और यहाँ माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, और फॉर एक्स निगेटिव हम लोग माइनस एक्स, यही पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो टू एक्स और माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, x निगेटिव के लिए है ये, अब इसको हम लोग x पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं, तो यहां पे हम लोग f डैस x कैलकुलेट कर चुके थे, f डैस x क्या था, f डैस x हमारे पास 2x माइनस x cos x और यहाँ माइनस साइन एक्स था, x पॉजिटिव के लिए था और x निगेटिव के लिए बस इसी पे निगेटिव लगा हुआ था, तो माइनस टू एक्स और प्लस x कॉस x
और प्लस साइन एक्स, ये एक्स निगेटिव के लिए था। यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ अगर हम एक्स कॉमन ले लें इसके साथ, एक एक एक्स इसके साथ कर दे, एक इस एक्स इसके साथ कर दे, यहाँ वन माइनस कॉस एक्स बन गया ये, और प्लस यहाँ पे एक एक्स इसके साथ कर दे तो वन माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स हो गया एक्स पॉजिटिव के लिए। और एक्स निगेटिव के लिए भी यही चीज कर देते हैं, तो क्योंकि एक्स निगेटिव होगा तो यहाँ पे एक्स वन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि निगेटिव इस पूरे पे मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा और यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा वन माइनस साइन एक्स। तो क्योंकि एक्स निगेटिव पे अब हम देख रहे हैं कि जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ से भी पॉजिटिव मिल रहा है। सिमिलरली एक्स निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स दिस इज पॉजिटिव, सो इसका मतलब क्या है कि इसका रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये वन वन फंक्शन है, सो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सी ऑप्शन सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स यूनिट 6 डिस्कस हो गया। थैंक यू वेरी मच।